हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हार्ड लाइफ ऑफ प्रॉफेट मोहम्मद का रिएक्शन। और ये वीडियो है बाय इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा का। एंड उन्होंने इसमें बताया कि किस तरीके से प्रॉफेट मोहम्मद की हार्ड लाइफ थी। हमें ऐसा नहीं लगता था, हमें ऐसा था कि उनकी जो लाइफ होगी, बिकॉज वो एक प्रॉफिट थे और साथ में वो हमने देखा हुआ है कि वो एक बहुत बड़े लीडर बन गए थे और अच्छा खासा उन्होंने अपना एक एम्पायर बिल्ड कर लिया था। तो उसके बाद तो उनकी एक थोड़ी सी इजी गोइंग लाइफ होनी चाहिए थी, बट यहाँ पे हमें किसी ने वीडियो भेजी है, तो देखते हैं इसमें क्या क्या डिटेल्स बताई गई। और मुझे ऐसे लगता है ना कि मतलब जो ये प्रॉफिट होते हैं उनकी ज़्यादा हार्ड लाइफ होती है एज़ कम्पेयर टू नॉर्मल लोग, क्योंकि हम लोगों के लिए ऐसा होता है ना कि अच्छा ये काम पाप है, ठीक है कोई बात नहीं हम कर लेते हैं, ऐसे होते हैं। लेकिन जो ये लोग होते हैं जो प्रॉफिट होते हैं वो बिल्कुल ऐसे नहीं होते। वो ऐसे होते हैं कि नहीं हम गलत काम बिल्कुल भी नहीं करेंगे, हम मतलब भूखे मरेंगे पर हम मतलब अपने बच्चों को भूखे मार देंगे, लेकिन हम लोग गलत उससे खाना नहीं खाएंगे। तो ये होता है कि अगर हम फॉर एग्जांपल अगर मान लो मैं 7-8 दिन से मैं खाना नहीं खाया, मेरे घर वालों ने नहीं खाया, चलो इंसान अपना होना सह सकता है, लेकिन अगर अपने बच्चों का हो अपने माँ बाप का हो, ठीक है तो ऐसे देखे कि इतने टाइम से भूखे हैं तो कहीं ना कहीं वो सिन कर ही लेता है। लेकिन जो वो होते हैं प्रॉफिट थे उन्होंने बिल्कुल भी नहीं करा वो चीज़। और बाकी मुझे भी इतना ज़्यादा आइडिया नहीं है, तो वीडियो देखकर होएगा तो देखता हूँ वीडियो वही देख लेते कैसा होगा। तो आप भी देखो हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। वाले रब्बी का फर्स्ट बिल, हाय हाय ये है बात। अपने रब के लिए सब्र फिर इख्तियार कीजिए, यानी आपको बताया जा रहा है कि अब ये मामला कोई इतना आसान नहीं होने वाला। हाँ जरा देखें, जब ये आयत नाज़िल हो रही है उस वक्त तो आपने शाम के तो दिमाग में भी नहीं है बात कि मेरे साथ आगे होना क्या है। एक शख्स जो अरब के लोगों की आंखों का तारा है, जिसे सब लोग सर पे उठाए हुए हैं, सादिक और अमीन कहते हैं, उसकी मिसालें देते हैं, उसके फैसलों का एहतराम करते हैं, और वो उस खानदान से है जो खाना काबे का मतवली भी है। उन्होंने ज्यादा से ज्यादा क्या सोचा होगा, मेरे साथ क्या कर लेंगे, ज्यादा से मस्जिद में आने में पाबंदी लगा देंगे ना, शहर बदल कर देना, कत्ल के फतवे जारी कर देना, ये तो नबी अलैहिस्सलाम ने सोचा भी नहीं था। अब ये जब ये आयत नाज़िल हो रही है कि आपने सब्र का दामन नहीं छोड़ना, अल्लाह को पता ना मैंने करना क्या अपने नबी के साथ। जाहिर है वो तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने कुरान पाक में मज़मून कई जगह है कि हमने तमाम नबियों के मुखालफी जिन्नो इंस में से उठाए हैं, अल्लाह ताला कहते हैं हमने उठाए। मुराद ये कि जब उठते हैं तो हम उन्हें उठना देते हैं, ताकि ये कशाकश होगी तो फिर हक और बातिल, ये कशाकश के बाद फिर सच्चाई की चाशनी फील होती है ना। अगर प्यास ही ना हो तो ठंडे पानी की कदर क्या आएगी। सही बात है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को भी उन आजमाइशों से गुजारा है। इंडिविजुअल आपने इस्लाम पे भी बहुत आजमाइशें आई और इज्तमाही तौर पे सहाबा और अहले बैत पे भी आई, लेकिन जब ये आयत नाज़िल हो रही है तो अब आप ये समझ लें कि ये अभी आपने इस्लाम के, यानी जो बुखारी मुस्लिम में आता है कि आपके पीठ के ऊपर ओजड़ी रखी गई और आप उठ नहीं सके, ये वाकया नहीं हुआ। आपके गले के अंदर, सही बुखारी मुस्लिम में आता है कि वो डाला गया कपड़ा और इतनी जोर से दबाया गया कि करीब था कि आंखें उबल आती, यह वाकया नहीं हुआ। वहाँ ताइफ का वाकया नहीं हुआ कि जिसमें पत्थर इतने मारे गए कि मुबारक खून से जूतियां भी भर गई, ये वाकया नहीं हुआ। वहाँ फिर कत्ल के फतवे के रात के वक्त सैयदना अबू बकर को साथ लेके और मौला अली को अपने बिस्तर पे लिटा के आप अलैहिस्सलाम हिजरत के लिए निकल गए, ये वाकया भी नहीं अभी हुआ। वहाँ और सरपुर मदीने में तो लाइफ ही पूरी डायनामिक, जाते ही यहूदी मत्थे मारे लग गए जाके, मुनाफिकीन ऊपर से कलमा पढ़ लिया, पीछे से वो जड़ें काटते रहे। फिर गज़वा बदर में जो कुछ हुआ, उहद में तो नबी अलैहिस्सलाम के दांत भी शहीद हो गए और आपकी शहादत की खबर मशहूर हो गई, इस कदर आपका खून बह गया। खंदक के वो मौका के ऊपर आप अलैहिस्सलाम को सख्त सर्दियों की रातों में किस तरीके से, इवन साहबा कहते हैं टॉयलेट जाना वाली मुश्किल हो जाता था, सामने से तीर आके लग जाता था। माय गॉड। उसके बाद फिर सुलह हुदैबिया वाली जो मुशक्कत काटनी पड़ी, इतना पैदल सफर करके फिर एक पीस ट्रीटी करके वापस जाना पड़ गया, उमरा भी नहीं किया। फिर गज़वा खैबर वाली जो एक मामला आया वो कई हफ्तों तक, उसके बाद फिर फतह मक्का के लिए 10,000 के सहाबा को के लश्कर को लेके निकले रमजान के महीने के अंदर,
हम लोग इधर ऐसी में बैठे हुए हैं। और फिर खत्म नहीं हुआ मामला, फौरन फतह मक्का के 3-4 महीने के बाद कबीला वाजन के साथ जो है वो जंग गजवे हुनैन हो गई। 12,000 का लश्कर था, बस तकबर के जुमले निकल गए कुछ असहाब से कि हम 313 थे तो गालिब आए थे, आज तो हम है ही बहुत हैं। तो कुरान के अल्फाज हैं, अल्लाह ताला ने यकीन करें कि इतने सख्त अल्फाज के अंदर, जिसे कहते हैं ना मेड़ा मारते हुए, ताना देते हुए बात की है अल्लाह ने। मैं तुमने ये बात की, तुम्हें तो कहना चाहिए था अल्लाह की मदद से फतह हुई थी। तो देख लो जब तुमने ये जुमला बोला तो देखो तुम्हें रास्ता भी नहीं फिर मिला भागने का। 80 बंदे बुखारी मुस्लिम में आता है नबी अलैहिस्सलाम के साथ रह गए, 12,000 में से 80 बंदे, बाकी सब भाग गए। वो सामने से तीर ही ऐसे लगे उनको, वो तीर के बड़े एक्सपर्ट थे कबीला वाजन के लोग। और फिर पैरेलल में जनाब वो रोमन अंपायर ने नबी अलैहिस्सलाम का सफीर कत्ल कर दिया, आपने गज़वा मौता के लिए जो है वो वाबी मुहिम रवाना कर दी ज़ैद इब्न हारिसा की सरकर्दगी में, इतने बाजों के ऊपर पैरेलल में। और फिर उसके बाद गज़वे मौता के बाद फिर वो गज़वे तबू के लिए आप इस्लाम खुद, जिसे वो जैशल मुसरा कहा जाता है, तंगी वाला जो मारका, तो और आखिरी वक्त भी आप क्या फरमा रहे हैं, आखिरी जो आप आगे खुतबा दे रहे हैं बुखारी मुस्लिम में, वो लश्करे उसामा भेज रहे हैं। इतनी मुश्किल लाइफ शुरू से लेके एंड था, और ये तो बाहर की लाइफ है, जो अंदर आपको तकलीफें उठानी पड़ रही है। बीवियां कह रही है कि नहीं इस तरह हमारा गुजारा नहीं होगा, फिर कुरान नाजिल हो रहा है कि नहीं इसी तरह गुजारा करो। तो कई माजों के अब ये सारे माज अगर आपके जहन में हो ना, तो फिर आप ये आयत पढ़े वाली रब्बी का फसबिर, ए नबी अलैहिस्सलाम आपने अल्लाह के लिए सब्र करना है, अभी तो बड़े बड़े मराहल आने हैं। वाह, किस तरीके से वो पहले ही वहाँ पे अल्लाह ने उनको बता दिया था कि भाई आपको सब्र रखना है। एंड यहाँ पे कितना, अगेन मैं कहना चाहूँगा, यहाँ पे मोहम्मद अली मिर्ज़ा जी ने कितना अच्छे तरीके से इसको पूरा डिस्क्राइब किया एंड आगे का सारे पूरे वाक्य बताए कि अभी तो वो भी नहीं हुआ था, अभी ये भी नहीं हुआ, एंड जितने उन्होंने वाक्य बताए कितने ज़्यादा खतरनाक और कितने ऐसे लग रहे थे कि लाइक कितनी टफ लाइफ थी। और टफ भी ज़्यादा ये थी कि मतलब लोगों के इसमें लाइफ में ऐसी एक चीज़ होती है, तब वो एक बार होता है कि भाई ये तो बहुत ख़राब दिन था मेरा, पर उनके साथ रेगुलरली ऐसा हो रहा कि उनके साथ कोई उनको छोड़ के जा रहा है, फिर कोई उनके साथ लाइक उनको कहीं ना कहीं चोट लग रही है, कुछ ना कुछ उनके साथ पूरे टाइम ऐसा हो रहा था जिसकी वजह से उनकी बहुत ज़्यादा ऐसे हालत ख़राब हो रही थी। लेकिन उनको वो पहले मैसेज मिल चुका था कि आपको सब्र रखना है एंड आपको बस अपना कोशिश करते रहना, और वही वो करते रहे। और इस वीडियो से हमें ये भी पता लगता है कि हमारी लाइफ में ना चाहे कितनी भी डिफ़िकल्टीज आए हमें पेशेंस रखना चाहिए। हमें ये नहीं होना चाहिए कि यार अगर हम किसी काम के पीछे भी जा रहे हैं ना तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि यार ठीक है अब नहीं हो रहा छोड़ देते हैं, तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और यार सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा, इसको देखकर बहुत लोग इंस्पायर भी हो सकते हैं और मैं भी इस वीडियो को देखकर काफ़ी ज़्यादा इंस्पायर कि लाइक आपने मतलब हम देखो हम लोग ना मोस्टली हम लोग जैसे बाद में कहा कि हम लोगों के साथ कुछ भी होता है ना हम ऐसे बैठ जाते हैं कि यार क्या ही हो गया है ना। और इनके साथ तो इतने लोग, 12 इन्होंने बताया जैसे कि 12,000 लोग थे, लेकिन जब वो तीर चलने लगे तो सिर्फ 80 ही रह गए लास्ट में। और मतलब लाइक तो उनको कितना ज़्यादा ऐसे बुरा लगा होगा कि लाइक 12,000 में से सिर्फ 80 लोग, तो वो भी। और फिर उसके बाद उन्होंने बताया कि इतने तीर चलते थे कि मतलब आप मतलब वॉशरूम तक नहीं जा सकते हो, तो इतने बुरे हालत तो उन्होंने देखे। फिर उन्होंने कहा कि रमज़ान के टाइम उन्होंने वो लश्कर निकाला, तो रमज़ान में हम सबको ही पता है कि ये लोग फास्ट रखते हैं, मुस्लिम्स फास्ट रखते हैं, और फिर उन्होंने फास्टिंग करते करते ये सारी चीज़ें करी। तो सीरियसली उन्होंने एक बहुत टफ लाइफ जी है। और फिर जैसे लास्ट में मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने कहा कि इनकी बीवियाँ कह रही थी कि गुजारा नहीं हो रहा था, स्टिल उन्होंने कुरान सामने रखी और कहा कि नहीं हो रहा है तो गुजारा करो, क्योंकि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही कहा था कि जो हम लोग होते हैं हम लोग सिंस कर लेते हैं, लेकिन जो नबी थे वो कभी भी नहीं कर सकते थे, तो फिर वही चीज़ हो जाती है। तो सीरियसली मुझे ये वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी, वही ये काफ़ी इंस्पायरिंग और काफ़ी कमाल की वीडियो थी। आप लोगों को कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएगा, ऐसे लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।